भाभी धमकी दे तुमको? क्या बोली? बोली ये जयमाल नहीं, फांसी का फंदा है। और घूर तो ऐसे रही थी हमको जैसे वो अंग्रेजी फिल्म वाला डायनासोर। डायनासोर? तुम हस्बैंड पे क्या समझे? खिड़की का कांच ऊपर करना, गाड़ी में बैठते ही भाभी का हाथ धर लेना। हाँ, हम फोन करेंगे, जैसा बनाएंगे वैसा करना। सुनो, उनकी आंखों में आग डाल के मत देखना, ठीक है? चलो भाई, अबे क्या सोच रहा हो, बुलाओ बहू को, बुलाओ। जी समधी जी, ला ला बुला रहे। जी जी, कृष्णा तैयार है? हाँ हाँ, ला रहे हैं, ला रहे। छोड़ के जा रही हो? खुश रहना, सदा खुश रहना। और अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दे बेटा। दीदी, आप जा रहे हो? हम जा रहे हैं, पर हम तुम्हें प्रॉमिस करते हैं कि हम हमेशा तुम्हारा ध्यान रखेंगे। पापा का ख्याल रखना। बुआ बहुत रोई वो, चलो फोटो सब अच्छे आएंगे। मेरे खुद के आंसू नहीं थम रहे और ये लड़की है कि झटके से 1,25,000 रुपए निकल गए। 1,25,000 रुपए? कौन से 1,25,000 रुपए? बेटा ऐसा है कि एन बखत पे लड़के वालों ने एक मोटरसाइकिल मांग ली, कहने लगे कि जब तक मोटरसाइकिल नहीं मिलेगी टोली नहीं उठेगी। मौसम बहुत अच्छा है ना आज, पर धूप थोड़ी सी ज्यादा है, नहीं? देखो पंडित, दुनिया में जब कोई डायनासोर ही नहीं बचा तो भाभी का एक गुस्सा और अकर क्या चीज है बे, समझ रहे हो? शादी हो गई बेटा तुम्हारी, अब हस्बैंड हो तुम, मर्द बनो और दबोच लो भाभी का हाथ। पर लेकिन वो तो हमारी तरफ देख तक नहीं रही है यार, पता नहीं खिड़की के बाहर ही ताके जा रही है तब से। अब इसलिए तो बोल रहे हैं, पूछ लो।
पत्नी को अच्छा लगता जब पति उस पर अपना हक जमाता है। हम करते हैं। सबस चुप। अबे तुम फोन रखो यार, हम करते हैं। नहीं, तुम फोन दूसरे हाथ में रख के बात करो। सब तुम मरवाओगे हमको। ये खिड़की के बाहर छिपकली की तरह का लटकी हो बे? यार हमसे नहीं हो पाएगा यार, तुम फोन रखो। कहाँ बे राधेलाल, अबे खिड़की के बाहर काहे लटके हो बे? पापा जी थोड़ा डीजल चढ़ रहा था तो थोड़ी उल्टी टाइप फीलिंग आ रही है हमको। बड़ी देर लग गई आने में, लड़की का मन नहीं था का आने का? चलो देर आए दुरुस्त आए। एक बात कहें छोटी बहुरानी, नहीं तुम्हारे आने से पहले तुम्हारी खबरें हम तक पहुंच गई हैं। यो का है, ये तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है, इसलिए जो कुछ भी तुम्हारे पापा जी ने, बुआ जी ने, फूफा जी ने सिखाया है ना, उसे भूल जाओ तो बेहतर होगा। नहीं वो कहा है कि तुम्हारी ससुराल के कायदे कानून जरा अलग हैं, इसलिए अपने मन को काबू में रखना सीख लो। जी मतलब ब्याह करके आई हो बहुरानी, सजा थोड़ी ना मिली है जो दरवाजे के बाहर खड़ी रहोगी। मुझे कलश है, दाहिने पांव से इसे लुढ़काओ और घर के अंदर घुसो। अरे अरे अरे, क्या कर रही हो, पगला गई हो है? नहीं मतलब ज्यादा पढ़ लिखने के चक्कर में कब दाहिना बाहिना भूल गई? दाहिना पैर।
अम्बे मैया ये लो, गृह प्रवेश हुआ नहीं कि पहले ही गिरा दिया हमारे राधे भैया को। क्या हुआ बे? अबे टक्कर आ गया क्या? मैडम जी, का भाई? नहीं मतलब गार्डन में जॉगिंग कर रही हो? कुछ ज्यादा ही तेज नहीं भाग रही हो तुम? हाँ, किसी ने टंगड़ी अड़ा दी ना तो औंधे मुंह गिरोगी, समझी? पति पत्नी को एक साथ गृह प्रवेश करना पड़ता है, पता है कि नहीं? न तौर तरीके मालूम है, न रीति रिवाज। और लियाओ पढ़ी लिखी बहू। क्या बोली? क्या कही? ना बोलो, फिर से बोलो। नहीं क्या करते? तुम जैसी एक और जाहिल की भर्ती कर देते? सुन लो भाई, हमें तो चाहिए पढ़ी लिखी बहू। किसी को तकलीफ है? अगर तकलीफ है तो उसकी बत्ती बनाओ और दिया जलाओ। हमको तो पढ़ी लिखी बहू चाहिए। हम सुनते आए हैं, यहां तकलीफ होती है हमको। अगल बगल के लोग जब बोलते हैं ना कि शुक्ला का परिवार अनपढ़ है, गवार है, जाहिल है, खानदान बदलने चले हैं हम, समझी? के थप्पड़ मारेंगे सबके मुंह पे डिग्री से। इसलिए लेके आए हैं पढ़ी लिखी बहू, समझे कि नहीं? बात कर रही हो? बेला, अरे बेला सुन रही हो? दूल्हा दुल्हन को लेकर मंदिर में आओ, गठबंधन खोलो और जो रीत रिवाज करने हैं ना वो करो। भाभी, जी आप टेंशन मत लीजिए, वो हमारे पापा जी बैल हैं। नहीं नहीं सॉरी, बैल नहीं, बेल हैं। बाहर से एकदम सख्त और अंदर से मुलायम, कभी कभी तो हमारी खुद की सुताई कर देते हैं, कभी संटी से और कभी तो चप्पल भी मार देते हैं। आप टेंशन मत लीजिए। अरे भाई अब चले, अब फटाफट सारी रस्में निपटा लेते हैं, फिर नई दुल्हनिया को उनका कमरा भी तो दिखाना है। आइए।
अरे अरे अरे, लड़के भी ठीक से गई भी नहीं और याद आ रही है। बाबू जी नमस्ते। जो आपने फल के पैसे दिए थे ना, उसमें 150 रुपए कम है। है? एक मिनट मुझसे बात करो। क्या भैया, शरम बेच के संतरे खरीदे? 150 रुपए दिख रहे और जो सड़े गले संतरे हमें दे दिए थे वो नहीं दिखा तुम्हें? ये तो खैर मना कि मेरे भैयल ने तेरा सारा हिसाब क्लियर कर दिया, वरना तुम्हारे चक्कर में जो लताड़ खाई ना हमें, तुम्हें एक पैसा नहीं देना है। भागो यहाँ से। देखो तो सड़े संतरे के पैसे मांग रहा है भैयल। चाय ठंडी हो रही है, पी लो। है लड़की जब जाती है ना घर से तो दुख तो लगता ही है, ऊपर से भगवान की तुम्हारे ऊपर लाठी, दो दो लड़कियां। लड़कियां हैं, इस बात से दिक्कत नहीं है जी। तो किस बात से दिक्कत? जिस तरह से उसने हमको देखा ना, याद है जी, वो चेहरा। उसकी आंखों में वो आंसू। अरे भैया, कन्यादान करोगे तो लड़की रोएगी नहीं है? आंसू नहीं आएंगे उसके? रोने से दिक्कत नहीं है जी जी। तो किस बात से दिक्कत है? वो अजीब सी आंखें, जैसे मुझसे कह रही हो कि आपने सही नहीं किया, मुझसे नाराज हो। भैयल, वो तो शुरू से ही हमें अपना दुश्मन समझती थी। अब तुम ही बताओ, कोई सही सोच रखने वाली लड़की अपने शादी के दिन अपने शादी का जोड़ा पहन के भाग जाएगी? जीजी, ये रिश्ता करा के हमने सही तो किया। बंद करो प्लीज, बंद करो। कब तक तुम ये कहते रहोगे सही किया नहीं सही किया? सही किया, हम कह रहे हैं बिल्कुल सही किया। राधे जी जैसा वर हमारी बिट्टो को नहीं मिलेगा। कोई और होता ना तो बारात लेकर लौट गया होता। जब्बो, गठबंधन खोलो। जी अम्मा। आइए कमरे में चलिए, फिर नहा धो के कपड़े बदल लीजिएगा। आइए। आ देख रही हो छोटी बहू? तुम्हारे लिए लाए हैं ये खिलौना। अरे भाई, 17 लाख रुपया ऐसे ही थोड़ी खर्च किए हैं शादी पे। इस खिलौने से तुम खेलोगी, अब पूरी दुनिया जलेगी। बुद्धि का आज शाम तुम्हारी बुद्धि का परीक्षण है। जाओ अभी आराम कर लो। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।